आपका भाई ट्राई करने जा रहे हैं चाप चूरो। एक कश्मकश में है हम लोग। पार्टियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर हुंजा वाला ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग। इस वक्त हम लोग हैं करीमाबाद के बाज़ार में, और करीमाबाद के बाज़ार में ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं क्योंकि ये पीछे से ना इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि ऊपर फुटबॉल मैच हो रहा है। और ये रास्ता ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं जब सीधा सीधा नीचे? हाँ, तो ये ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? क्योंकि ऊपर एक रेस्टोरेंट है लाल परी, उस लाल परी रेस्टोरेंट पे हमें जाना है, और वहाँ पे जाके हम लोग कुछ लोकल फूड ट्राई करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई लाल परी ज़रूर जाना था, लाल परी ज़रूर जाना। और यहाँ पे ये हुंजा ब्यूटी सैलून भी है, इस पे भी आएंगे क्योंकि हमें शेव शूप भी करवानी है। तो बस फिर ये जो आज का सारा कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएँगे पार्टियाँ, हम आ जाओ। अच्छा, ये मेन करीमाबाद बाज़ार के अंदर ना डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर लोकल इन लोगों की मिल रही हैं, जैसे ये सिविनियर्स वगैरह हो गए, वो हो गए। भाई हुंजा आने से पहले ना अपना विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम और विटामिन वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना, वो फुल करके आना, क्योंकि यहाँ पे इतनी चढ़ाई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। एक सिंपल से होटल में भी जाना, उसके अंदर भी सीढ़ियाँ होती हैं। ये गली देखो कैसी प्यारी सी। और भाई देखिए, आज हुंजा में जो आजकल सीज़न चल रहा है वो ऑटम का चल रहा है, पतझड़ वाला। ऑटम ही होता है ना, पतझड़ या फॉल होती है, ऑटम फॉल वही सेम, वही जो भी होता है वो चल रहा है भाई। ओ लग रही है लाल परी का गाना अच्छा हो। और ये जो लड़के भागते हुए जा रहे हैं ना माशाल्लाह, इस चढ़ाई पे ऊपर मैच है कोई ज़बरदस्त किस्म का, वो भी देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, यहाँ पे ना फुल बारात आई है मेरे ख्याल से, क्योंकि पीछे सजी हुई दूल्हा की गाड़ी भी है। लाल शहजादी तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे सामने जबरदस्त किस्म का ना वो ढोल वोल बजा रहा है। शादी है भाई माशाल्लाह, इस किसी खुशी में नाचा जा रहा है। पूछते हैं भाई से, भाई ओ भाई शादी है माशाल्लाह, तो अभी दुल्हन लेके आए या लेने जा रहे हो? अभी दुल्हन लेने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं, बारात लेके जा रहे हो। माशाल्लाह जिंदाबाद, एक्साइटेड हो गया मैं तो ये देख के। अच्छा, यहाँ पे फुल शादी का सेटअप चल रहा है, बिल्कुल बारात वाला रेडी हो रही है। और इधर जो हो रहा है ना, ये सामने ये मैच हो रहा है हुंजा HPL, और इन लोगों का कोई अपना कोई बहुत बड़ा मैच है। ये देखो, वाह, ये गिलगित एवेंजर्स के लिए मैच है। अच्छा, तो फाइनल मैच है? जी आज फाइनल है। ओके, ये दोनों टीम गिलगित के हैं। ओके, ये गिलगित दोनों टीम। सही सही, थैंक यू सो मच। फाइनल मैच हो रहा है, गिलगित की दो टीम्स हैं, उन लोगों का मैच हो रहा है, लेकिन हमने जो देखना था वो देख लिया। अब हम जरा चलते हैं कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है। यही बड़े ज़बरदस्त किस्म का पहाड़ के ऊपर ग्राउंड बना हुआ है, पहाड़ से ही सामने आपको बल्तित फोर्ट नज़र आ रहा है, वहाँ पे अभी तक हम लोग गए नहीं। लाल परी नहीं था, लाल शहजादी, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे हमें बारात मिल गई। अरे भाई, यहाँ पे बारात वाले आए थे अभी। अच्छा, वो जो सारे अभी आए ना गाड़ी वाले, वो सब बारात लेके आए, तो हमने कहा ज़रा हम लाल शहजादी में बैठ के ऑर्डर प्लेस करते हैं खाना वाने का, और फिर उसके बाद यहाँ करते हैं। यार सेटिंग तो बड़ी मज़े की बनाई हुई है इन लोगों ने, यहाँ पर ये व्यू के साथ बैठो और आराम से खाना इन्जॉय करो। व्यू कितना प्यारा आ रहा है राका पोशी का, राका बारा। भाई हम लोग आके बैठ चुके हैं, ये लाल शहजादी, लाल परी, पता नहीं शहजादी परी क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का, लाल शहजादी इसका रेस्टोरेंट का वो है। नमक क्या ऑर्डर किया है? पराठे, अंडे, चाय और चाप शुरू, सब ऑर्डर किया। बस सही है। और आरिफ भाई ये समोसे भी लेके आ गए, और यहाँ से जो व्यू है ना, ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है वो ज़बरदस्त किस्म का राका पोशी का व्यू है, ये खूबसूरत। और हुंजा के अंदर क्योंकि जो पत्ते गिरने का मौसम है वो हुआ है, वो ऑटम है, वो फॉल है, वो खजा है, वो बहार है, जो भी है वो वाला मौसम है। हुंजा और नगर वालों की झगड़ा है और झड़प है कि भाई राका पोशी का व्यू हमारे पास से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। नगर वाले कहते हैं हमारे पास से अच्छा नज़र आता है, हुंजा वाले कहते हैं हमारे पास से अच्छा नज़र आता है, लेकिन मैंने तो दोनों जगह से देखा, मुझे दोनों जगह से राका पोशी ही नज़र आया।
मतलब मुझे अच्छा नज़र आया दोनों तरह से, और राघोपुर इटसेल्फ एक ह्यूज जाइंट है माशाल्लाह। अच्छा ये जो रेस्टोरेंट है ना ये पूरा चढ़ाई पे बना हुआ है, ऐसी यूँ एक्सट्रीम चढ़ाई है ये, देखो इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपके, इन लोगों ने ये ज़मीन पूरी सीधी की हुई और ये ऐसे यूँ चढ़ाई जा रही है, मतलब बंदा जब उतरता है ना तो दूसरे गियर में उतरता है ब्रेक लगाता हुआ, और ये जो चढ़ता है वो पहले गियर में चढ़ता ही, देखो ये चढ़ाई का फील हो गया होगा कितनी चढ़ाई है। तो ये इस तरह से है और हम लोगों को इन्होंने ऐसे बिल्कुल सीधा करके बनाया हुआ बिठाया हुआ है, और यहाँ पे ये इनका किचन है, तो ये किचन की गेम ये है कि इन्होंने सिलेंडर यहीं रखे हुए, तो अंदर किचन में बेहतरीन खाना वाना पक रहा है। ये आ चुका है भाई हमारा खाना नाश्ता, जो भी चीज़ें हैं माशाल्लाह, इसमें चाय है, ऑमलेट है, ये है चाप चूरा, राइट, ये है फाइनली मीठी विदाउट शुगर है। आप शुरू बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड भी किया था और बहुत ज़्यादा मैंने इसका हर जगह नाम पढ़ा, यहाँ उनजा की ही अपनी डिश है, तो इसके अंदर खोल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसके अंदर, चिकन है, प्याज है, और मेरे ख्याल से ये पेस्ट जो है ये आलू है, आई एम नॉट श्योर, अभी चेक करके बताऊँगा। और ये ज़बरदस्त किस्म के पराठे भी आ गए साथ में चाय, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक मैंने सिर्फ पराठा और अंडा खाया, बहुत मज़े का शदीद टेस्टी। पराठे की गेम ये है कि ये इन लोगों ने लाल आटे से बनाया हुआ और बहुत लजीज है, बिल्कुल एक तो फ्रेश, यहाँ पे एक आंटी काम कर रही हैं वही सब बना रही हैं, वन मैन शो है फुल। भाई अब आपका भाई ट्राई करने जा रहा है चाप चूरो लाइफ में फर्स्ट टाइम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि अच्छा लगेगा या बुरा, मतलब बैटर मंतू जैसा नहीं है ना, मज़े का है, मंतू जैसा तो नहीं है, अंदर कीमा नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा टेस्ट मंतू का है, मेरे ख्याल प्याज की वजह से, फीलिंग और प्याज की वजह से, मज़े का है, अच्छी चीज़ है ये, मेरे ख्याल से स्नैक्स टाइप की चीज़ है। इन लोगों खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने सही था खाना और अब निकल रहे हैं, और अभी सीन यह है कि जाके ज़रा शेव शूव करवाएंगे, थोड़ा सा लुक अच्छा करेंगे क्योंकि तकरीबन 12-15 दिन हो गए शेव नहीं करवाई, शेव पड़ गई है यहाँ से यहाँ से हर जगह से बाल निकले में, तो उसकी ज़रा सेटिंग वेटिंग करवाते हैं फिर देखते हैं कि क्या करना है। और आज रात को एक होटल में एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सर्ट है, उसमें मुस्तफ़ा ज़ाहिद आ रहा है, वहाँ भी जाना है मुझे, तो तकरीबन 6 बजे तक वहाँ पर जाएंगे, अभी 4 बज रहे हैं। भाई हुंजा के अंदर आ चुका हूँ मैं शेव करवाने के लिए सलून पे, अब बस ज़रा देखते हैं ये बिफोर है और एक ट्रांजिशन के बाद आफ्टर हो जाएगा। शेव बन चुकी है, मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया कि कम कर दो ये कर दो, मैंने कहा बस सेटिंग कर दो, यहाँ से सेट कर दो, यहाँ से सेट कर दो और यहाँ सेट कर दो, बस इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद जाके करवाएंगे। इस्लामाबाद जाने से एक बात याद आई, वो ज़रा डिटेल में समझाता हूँ, एक कश्मकश में है हम लोग क्योंकि हम लोग किसी टूर गाइड के साथ नहीं आए, तो हम लोग स्कर्दू आए बाय फ्लाइट, फिर उसके बाद हमने वहाँ से आरे भाई हमारे साथ हो गए, वहाँ से गाड़ी रेंट वगैरह सब फ्यूल व्यूल ये वो सारा कुछ हम खुद करके यहाँ पे आए अपना अल्लाह भला करें हुंजा। अब हुंजा से इस्लामाबाद जाने के लिए अगर हम आरे भाई की गाड़ी लेके जाते हैं तो वो नॉन कस्टम है, वो शाम तक जाएगी तो वो इस्लामाबाद तक नहीं जा सकती, तो इस वजह से हम आरे भाई को लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे लोकल टूर जो आए हुए हैं, हम ये सोच रहे हैं या चाह रहे हैं कि हम किसी टूर गाइड के साथ हो जाएं, उन्हीं के कोस्टर में उन्हीं के साथ बैठ के चिपक के हम लोग चले जाएं इस्लामाबाद, क्योंकि अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो इस्लामाबाद ही है वापसी, मतलब तो वो भी एक आध दिन में हो जाएगी। लेकिन अभी सीन समझ नहीं आ रहा, एक दो टूर गाइड वगैरह से मैंने बात की थी तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम वो कर लेते हैं, ले जाते हैं, ये कर लेते हैं, किसी के पास जगह फुल है किसी के पास नहीं, तो अभी इसी कश्मकश में चल रही है ज़िंदगी और बस यही सीन है। गुलरेज भाई क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो? तो यही कश्मकश अभी चल रही है ज़िंदगी के अंदर, तो देखो इंशाल्लाह ताला। अभी एक गाड़ी वाले से भी पता किया था मैंने, तो वो कह रहे हैं कि 35,000 रुपये लेंगे, करोला है ये 2017 मॉडल, तो आप दोनों को ले जाएंगे डायरेक्ट, 16 घंटे का ट्रिप होगा और आप पहुँच जाओगे। यार देखते हैं क्योंकि गिलगित से फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा, एक ऑप्शन ये था कि हम गिलगित से चले जाएं, लेकिन गिलगित से फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं, कश्मकश चल रही है। I don't like the light, I like the darkness. सुनिए, this is a very special light. अंधेरों से तो मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया, अब रातों में हूँ इन अंधेरों।
में फिर तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। तन्हाई ही मुझसे खफा हो गई बंजारा। मैं दूर राजी रहा हूँ।